तो दोस्तों देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20 श्रृंखला होने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि T20 श्रृंखला होने वाला है कि वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हरा दिया, लेकिन हराने के बाद अब वर्ल्ड कप से बाहर निकलना है टीम इंडिया को, और टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर निकल के अब खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज, वो भी T20 का। अब कितने मैचों का सीरीज होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कब से स्टार्ट है, कहां पर आप जाके देख सकते हैं, क्या रोहित और विराट खेलेंगे, इन सारे सवालों का जवाब आपको हम देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा और सारे सवालों का जवाब लेकर ही जाइएगा। जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखें तो चैनल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ क्रिकेट की लाते रहते हैं हम, कृपया सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि ये T20 श्रृंखला कब से शुरू हो रही है। तो आपको बता दें कि ये श्रृंखला जो है वो 23 नवंबर से शुरू होने वाली है, 23 नवंबर से शुरू होगा और ये मुकाबला शाम के 7 बजे खेला जाएगा। पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब दूसरा सवाल है कि कहां पर आप देख सकते हैं, तो अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 लगाइए, अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा लगाना पड़ेगा। बाकी कौन कौन से इसमें प्लेयर शामिल हुए हैं तो आपको बता देते हैं कि रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल से लेकर बहुत बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, ये सब देखे तो सूर्य कुमार यादव, इन सब को मौका मिला है। पूरी तरह से देखे तो टीम इंडिया बदली हुई दिख रही है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, ईशान किशन होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे और इसी के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड भी होंगे, रिंकू सिंह भी होंगे, आवेश खान भी होंगे, तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित और विराट को दिया गया है मौका, तो नहीं, रोहित और विराट नहीं खेलेंगे। बताया जा रहा है कि रोहित विराट जो है उनको आराम दिया गया है T20 श्रृंखला से, और ये भी बताया जा रहा है कि रोहित विराट जो होंगे 2024 में होने वाली जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी वो हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखें तो वो T20 के काफ़ी कम मैचेस खेल रहे हैं और BCCI और इंडियन स्पोर्ट्स स्टाफ है वो चाहती है कि रोहित विराट T20 ना खेले, वनडे खेले, टेस्ट खेले, इसी कारण से हो सकता है कि वो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ना लें। रोहित विराट के लिए बुरी खबर है, उनके फैंस के लिए बुरी खबर है। बाकी BCCI चाहती है कि T20 की एकदम फ्रेश टीम, नई टीम बन के बाहर आए जो T20 वर्ल्ड कप खेले, तो ऐसा होगा कि ये टीम जो अभी दिख रही है आपको T20 श्रृंखला में खेलते हुए या दिखेगी, इसी टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए भेजा जाए। दिन बहुत कम है, केवल 6-7 महीने ही हैं और 6-7 महीनों में तैयारी करनी है। बाकी जो भी हो, आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में और इन चीज़ों के बारे में ज़रूर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है वहाँ दे सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए, क्रिकेट जगत की खबरों के लिए सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।